हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आज 26 जनवरी है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्राई कलर लेंगे, झंडा लेंगे, छोटे बड़े जैसे भी हैं। तो ऐसा भी देखा गया है कि वो लोग सेलिब्रेशन के बाद जो हैं वो झंडे फेंक देते हैं सड़कों पर, या उसका एक तरीके से अपमान होता है। तो सबसे पहली रिक्वेस्ट है कि उसको जो लोग भी देख रहे हैं तो पहली तो चीज़ उसको फेंके नहीं झंडे को, क्योंकि वो एक राष्ट्र के सम्मान की बात होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको कहीं रास्ते में पड़ा भी मिल जाए तो उसको आप ले आइए, अपने घर पे रख लीजिए, ठीक है? क्योंकि इस तरीके से जो राष्ट्रध्वज है उसका अपमान जो है वो होना नहीं चाहिए, ठीक है? तो अगर आपको रास्ते में कहीं भी अगर पड़ा हुआ भी मिलता है तो आप उसको उठा लें और आप उसको ले आके अपने घर पर लगा लें, ठीक है? तो यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आज 26 जनवरी है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्राई कलर लेंगे, झंडा लेंगे, छोटे बड़े जैसे भी हैं। तो ऐसा भी देखा गया है कि वो लोग सेलिब्रेशन के बाद जो हैं वो झंडे फेंक देते हैं सड़कों पर, या उसका एक तरीके से अपमान होता है। तो सबसे पहली रिक्वेस्ट है कि उसको जो लोग भी देख रहे हैं तो पहली तो चीज़ उसको फेंके नहीं झंडे को, क्योंकि वो एक राष्ट्र के सम्मान की बात होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको कहीं रास्ते में पड़ा भी मिल जाए तो उसको आप ले आइए, अपने घर पे रख लीजिए, ठीक है? क्योंकि इस तरीके से जो राष्ट्रध्वज है उसका अपमान जो है वो होना नहीं चाहिए, ठीक है? तो अगर आपको रास्ते में कहीं भी अगर पड़ा हुआ भी मिलता है तो आप उसको उठा लें और आप उसको ले आके अपने घर पर लगा लें, ठीक है? तो यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।